नमस्कार, जेके मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ESIC वेरियस पैरामेडिकल पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 आ गया है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं ESIC पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 1035 वेरियस पोस्ट। तो टोटल 1035 वेरियस पोस्ट है। आगे चल के हम देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब इसमें वेरियस पोस्ट है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यह फॉर्म अप्लीकेशन बिगिन 1/10/2023, तो 1/10/2023 को ही यह शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट 30/10/2023 तक रहने वाला है। फीस की बात कर लें तो जनरल OBC EWS की फ़ीस 500 रुपये है, वहीं SC और ST की फ़ीस 250 रुपये है, फीमेल कैंडिडेट की फ़ीस भी 250 रुपये है। ये हुई फीस की बात और ये है डेट, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आगे एज की बात करें तो एज 18 मिनिमम और मैक्सिमम 37 और पोस्ट वाइज एज होना ज़रूरी है। आगे हम देख लेते हैं, जैसा कि ESIC पैरामेडिकल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 1035 पोस्ट है टोटल। तो आप यहां देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट अथवा इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आगे अब देख सकते हैं कि स्टेट वाइज पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट यहाँ देख सकते हैं। यहाँ स्टेट उत्तर प्रदेश में टोटल 44 पोस्ट हैं। यहाँ देख सकते हैं आप डेंटल मैकेनिक का पोस्ट 2 पोस्ट है, ECG टेक्नीशियन का 4 पोस्ट है, जूनियर रेडियोग्राफर का 14 पोस्ट है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी का 13 पोस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का 1 पोस्ट है और OT असिस्टेंट का 5 पोस्ट है, रेडियोग्राफर 4 पोस्ट है, सोशल गाइड सोशल वर्कर का 1 पोस्ट है। अब आप बिहार में देख सकते हैं, बिहार में टोटल 64 पोस्ट हैं। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन का 1 पोस्ट, डेंटल मैकेनिक का 4 पोस्ट, ECG टेक्नीशियन का 4 पोस्ट, जूनियर रेडियोग्राफर का 9 पोस्ट और जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का 29 पोस्ट। दिल्ली NCR में टोटल 275 पोस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आप देख सकते हैं यही है दिल्ली NCR में। दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा पोस्ट आया है, तो आप यहाँ से ज़रूर भरें या फिर आप कहीं से भर सकते हैं। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन का 3 पोस्ट, डेंटल मैकेनिक का 10 पोस्ट, ECG टेक्नीशियन का 23 पोस्ट, जूनियर रेडियोग्राफर का 38 पोस्ट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का 24 पोस्ट, OT असिस्टेंट का 43 पोस्ट, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, अब आप यहां देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए है टोटल 91 पोस्ट। फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए 91 पोस्ट है, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए 11 पोस्ट है, फार्मासिस्ट होम्योपैथिक के लिए 6 पोस्ट है, रेडियोग्राफर के लिए 10 पोस्ट है, सोशल गाइड सोशल वर्कर के लिए 16 पोस्ट है। अब आप यहाँ मध्य प्रदेश में देख सकते हैं टोटल 13 पोस्ट है, राजस्थान में देख सकते हैं 125 पोस्ट है। जैसा कि राजस्थान में फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए 14 पोस्ट है। अब हम दिल्ली का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, वैसे तो वेरियस इस पोस्ट इसमें है, तो आप इसको नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या है। तो हम बता देते हैं इसमें फार्मासिस्ट के बारे में टोटल जानकारी देते हैं। हम आपको यहाँ फार्मासिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं कि क्या है वैकेंसी।
यहाँ आप देख सकते हैं सातवें नंबर पर, सीरियल नंबर सातवां, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, यूएआर का 30 पोस्ट, एससी का 17 पोस्ट, एसटी का 10 पोस्ट और ओबीसी का 27 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 7 पोस्ट। तो टोटल मिलाकर 91 पोस्ट हैं। और आगे आप देख लें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप यहाँ क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। तो एलोपैथिक फार्मासिस्ट का क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिए, डिग्री इन फार्मेसी, तो यहाँ बी फार्मा होना ज़रूरी है, या सेकेंडरी विथ डिप्लोमा फार्मेसी, या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ज़रूरी है, साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट को अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब वेतन की बात करें तो पे लेवल इसका 29,200 से लेके 92,300 रुपये पर मंथ रहेगा। और वहीं फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात कर लें तो वेतन उतना ही है इसमें भी, और क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। आगे फार्मासिस्ट होम्योपैथी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वेतन, यहाँ क्वालिफ़िकेशन। आगे हम बात कर लें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन के लिए पहले आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से आपको 50 नंबर रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज से आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको आपका 100 नंबर रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के दो नंबर यहाँ रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे और वह 10 नंबर का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होने वाले हैं, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के रहेंगे, और बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषाएँ रहेगी, और आपको 120 मिनट मिलने वाला है टोटल, आपको 120 मिनट टोटल मिलेगा, और आपको यहाँ हर एक गलत आंसर पर 0.25 मार्क को काट लिया जाएगा, तो मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आप पासिंग मार्क को देख सकते हैं कि कितना कम से कम पासिंग मार्क होना चाहिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूएआर कैटेगरी के लिए 45% होना ज़रूरी है पासिंग मार्क, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40%, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 35% और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 30% मार्क होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आपको आपका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें सेकंड फेज में दिया है कि टाइपिंग डाटा एंट्री टेस्ट पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए है, तो फार्मासिस्ट के लिए है नहीं। इसी तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ के आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।